तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नए हफ्ते में। तो आज मंडे है, तुम्हें बता दें, अपडेट दे दें। तो आज से एक अच्छी चीज़ ये हो रही है, अभी हमारी जर्नी के अगर हम रील्स के अकॉर्डिंग जाएँ तो हमारे सिर्फ करीब कितने हैं 21-22 दिन बचे हैं अगर आज को हटा दो, क्योंकि आज 129वां दिन है रील का हमारी। तो वो तो तुमने देख लिया होगा पहले ऑब्वियसली, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 21 दिन बचे हैं और हम 3 हफ्ते अब पुश पुल लेग्स पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हम कट में चालू करेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो हम पुश पुल लेग ही रखेंगे। तो आज हमें पुश डे ट्रेन करना है, जिसमें 2 मूवमेंट रखने वाले हैं हम चेस्ट के, 3 रखने वाले हैं शोल्डर के और 2 अगेन रखेंगे ट्राइसेप्स के। तो ये रहेंगे आज के मूवमेंट, बाकी शुरू करेंगे शोल्डर प्रेसेस से, तो वो तुम देखोगे। तो ये तीसरा प्लेट है, इसमें 3 प्लेट लगाएंगे, अगेन रेप रेंज में 8 से 15 के बीच में रखेंगे। तो ये तीसरा सेट इसमें जाना चाहिए, 10 रेप्स आने चाहिए। इसके बाद एक सेट और है जिसमें 8 लेंगे, उसमें वेट का नहीं पता, मेरे ख्याल 25 प्लेट डालेंगे उसमें, बट इसमें 10 आने चाहिए। अगला मूवमेंट करने वाले बेंच प्रेस, आज कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कोशिश बस ये रहेगी कि 100 तक जाना है। उससे पहले 5 सेट रहेंगे, वार्म अप लेंगे अच्छे से, क्योंकि अधिकतर हम वार्म अप स्किप कर देते हैं, वो लेंगे, फिर प्लान करते हैं। 55 से शुरू करेंगे मेन वर्किंग सेट, 55 से फिर 100 तक जाएंगे। थोड़ा अपडेट दे दें, बेंच प्रेस पे हमने 90 से किए थे कुछ, 5 किए थे और 5 हमने ये टारगेट रखा था कि हमें थोड़ी 100 के लिए एनर्जी बचानी है, तो 90 से थोड़े कम रेप्स करेंगे, उसमें फेलियर हिट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन 5 रेप्स जो रखेंगे वो क्लीन होने चाहिए। तो वो थे स्लो एंड एकदम कंट्रोल्ड। 100 पे आज एक तरीके से कहेंगे हमारा तो PR ही है, क्योंकि 100 से अभी तक हम 9 नहीं गाए हैं, 100 से अभी तक हम मैक्स 7 या 8 ही तक गाए हैं, लेकिन आज हमने 9 किए थे, लेकिन 9वां जो रैप्स था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा था, लेकिन एक ये चीज़ थी कि हम थोड़ा सा फोकस अपना लूज़ किए थे 9 रैप्स के बाद, यानी 8वें रैप्स पे, तभी हमारा जो 9th रैप्स था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा था, क्योंकि थोड़ा सा हमने फोकस लूज़ किया था उस टाइम पे, वरना यार आज ईजिली हम डबल डिजिट में जा सकते थे 10 या 11, पर कोई नहीं, 9 से भी हम खुश हैं कि चलो एक जो 8 वाला फैक्टर था, 8 या 7 वाला,
वो कई हफ्तों से रुका हुआ था, तो उससे तो ऊपर आए और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आर्ट तक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। जैसे हमने फोकस लूज़ किया दैन नवा स्ट्रगल हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चलेगा मेरे ख्याल से, और अच्छा कर सकते हैं। और आज हमने बेल्ट लेस किया था, सिर्फ क्या कहते हैं रिस्ट सपोर्ट यूज़ कर रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादातर जो जोर लगा रहे थे वो अपने एक तरीके से चेस्ट ही पुश कर रहे थे, और इसीलिए फील भी कर पा रहे हैं। उसके बाद एक हमने छोटा सा सेट किया था 35 से, फेलियर किया था 30 से 40 रेप्स के बीच में, और अभी ये करने वाले हैं। इस पर थोड़ा डिक्लाइन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि जो इंक्लाइन रहता है ये हल्का सा इंक्लाइन है, लेकिन तुम्हारी एल्बोज पीछे से आ रही होती हैं, तो ये तुम्हें हल्का सा डिक्लाइन चेस्ट को थोड़ा सा ये वो करेगा मोशन उसका। खाली दाढ़ी बिना चले चेहरा एकदम बतख जैसा हो जाता है, मगर छोटू सा चेहरा हो गया है हमारा, क्योंकि दाढ़ी हम काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, मतलब दिसंबर से ही रखे हुए हैं, तो यहाँ तक रहती है ना दाढ़ी कम से कम, तो चेहरा थोड़ा थोड़ा लंबा लगता है। अभी जैसे हम एक इंच तुम्हारा चेहरा यहाँ से छोटा हो गया तो कितना अजीब ही लगेगा। तो दाढ़ी भाई बड़ी सही चीज़ है आदमियों के लिए, पर कोई नहीं चलेगा, जितना गंदे दिखोगे उतना ज़्यादा सही है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ये फायदा उसका। तो अगला मोमेंट जो है वो है ट्राइसेप्स बैक। इसको अभी करने का एक रीज़न ये भी है कि अगर इसको तुम हाथ में रख देते हो तो इतना मेंटली तुम पुश नहीं करते हो खुद को, तो सारी मूवमेंट अल्टरनेटली रखते हो तो सब में पुश कर पाते हो, वरना तो देखा होगा कि शुरू की एक्सरसाइज में तुम पूरा 100% दे पाते हो, बट बाकी में तुम थोड़ा सा जल्दी फेलियर हिट करने लगोगे या फिर इतना पुश नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इसको बीच बीच में रखते रहो बाकी मसल्स को भी। लेकिन इसमें किक बैक ही करेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग हेड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो तुम देखने वाले हो वो है और ओवरहेड एक्सटेंशन। इसके बाद दो मूवमेंट और होंगे, वो होंगे शोल्डर के, क्योंकि पता है शोल्डर ही के लिए हम अपने आप को मेंटली इतना पुश कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा हमें करना लगता है, बट ऐसे बड़ी छोटी मसाला तो साला आखिरी में करने में मज़ा नहीं आता, तो ये निपटा ही देते हैं अभी। कोई उम्मीदें देख पा रहे हो तुम, तो ये जो दो मिनट करने हैं हमें, एक तो साइड रेजेस करना है और इसके साथ ही फ्रंट रेजेस भी कर ही देंगे, तो यही दो आखिरी मूवमेंट होंगे। शायद आखिरी में काफ्स भी करें, उसमें तो सिर्फ बॉडी वेट मूवमेंट ही ऐड करेंगे और तो कुछ ऐड नहीं करने वाले, तो तुम देखोगे। Ugh.
तो मेन चीज़ ये है भाई, वर्कआउट यहीं तक करते हैं और काफ़ी मज़ा आया वर्कआउट करने में। आज मैंने 7 मूवमेंट्स किए हैं, अभी अंदर जाकर शायद काफ्स भी कर ही लेंगे 2-3 सेट, बट मेन यहीं तक था जिसमें 2 मूवमेंट्स हमारे चेस्ट के, 3 थे शोल्डर के, अगेन 2 थे ट्राइसेप्स के। तो वर्कआउट यहीं तक करते हैं। सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा सही लगा हमने कि हमने पहले ट्राइसेप्स के लिए ये चीज़ सही कही थी, क्योंकि आखिरी में तुम पता ही हम शोल्डर में पुश कर लेते हैं। तो वर्कआउट यहीं तक करते हैं, बाकी तुमसे जल्दी मिलेंगे।